हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य में स्थित भावनगर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, भावनगर जिला, यह जिला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के 33 जिलों में से एक भावनगर जिला के नाम से जाना जाता है। भावनगर जिला भारत देश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा अरब सागर से मिलती है। भावनगर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस भावनगर शहर में ही मौजूद है। भावनगर जिला के पड़ोसी जिले का नाम अहमदाबाद जिला, बोटाद जिला और अमरेली जिला है। भावनगर जिला में 11 ब्लॉक, 6 नगर पालिका, 1 नगर निगम, 1 मुख्य सरकारी अस्पताल, 1 मुख्य सरकारी कॉलेज और 699 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो भावनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 7034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भावनगर जिला की कुल आबादी 24,10,211 है। भावनगर जिले का औसत लिंगानुपात 931 के करीब है, यानी कि यहां पर 1000 पुरुष पर 931 महिला हैं। भावनगर जिला के मुख्य नदी का नाम घेलो नदी और बकार नदी और अरब सागर है। अरब सागर के किनारे पर बसा यह जिला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 193 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 839 किलोमीटर, मुंबई से 620 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 1107 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। भावनगर जिले का वाहन पंजीकरण संख्या GJ4 है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग गुजरात के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। भाषा की बात करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा गुजराती है और कुछ हिंदी है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो भावनगर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भावनगर टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म और 3 पटरी शामिल है और इसका स्टेशन कोड BBC है। और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के भावनगर डिवीजन के ही अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 70% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 70% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट महिला कॉलेज, भावनगर ITI कॉलेज, शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज, श्री PP इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सरस्वती ज्ञान मंदिर, चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल, जनता पब्लिक स्कूल, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो भावनगर जिला में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं, जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपनी सेवा देते रहते हैं। इन अस्पतालों में शुमार सदविचार हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, सारथी हॉस्पिटल, निर्मल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, HCG हॉस्पिटल, सद्भव हॉस्पिटल, जीवनदीप हॉस्पिटल, ये सभी शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो भावनगर जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं, जहां पर टूरिस्ट घूमकर आनंद उठा सकते हैं।
भावनगर जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। भावनगर जिला के मुख्य पर्यटन स्थल में शुमार बेलादर, ब्लैकबक नेशनल पार्क, पालिटना मंदिर, अलक्स शिप, विक्टोरिया पार्क, खुरियार मंदिर, नीलम बाग, तालेश्वर मंदिर, घोगा बीच, गौरीशंकर झील आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, भावनगर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।